ये लेस बनाने के लिए सबसे पहले पर्ल या क्रिस्टल अपने थ्रेड में ऐड करें और उसके बाद ये थ्रेड को अटैच करेंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी थ्रेड ले सकते हैं सेम डिज़ाइन बनाने के लिए। थ्रेड अटैच करने के बाद चेन थ्री और सेम स्पेस में जहाँ पर हमने चेन थ्री बनाए हैं वहाँ पर डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन सिंपल, इसका वर्जन मैंने इसे पहले भी बनाया है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। अब हमें चेन वन बनाना है डबल क्रोशे के बाद और थ्री बीट्स को इस तरह से स्लिप करके लॉक करना है। ये थ्री बीट स्लिप करें, अब इसे लॉक कर देंगे। चेन वन बनाते हुए लॉक किया और इसे थोड़ा सा इससे साइड में इस तरह से करेंगे। अब हमें सेम स्पेस में फिर से टू डबल क्रोशे बनाने हैं। टू डबल क्रोशे बनाने के बाद चेन वन बनाएंगे। चेन वन बनाने के बाद हमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए स्लांटेड इस तरह से जाना है और फिर से थोड़े डिस्टेंस पे हमें डबल क्रोशे बनाना है और सेम रिपीट करना है। तो टू डबल क्रोशे बनाएंगे। चेन वन, थ्री बीट को स्लिप करेंगे, चेन वन बनाते हुए फिर से इसे लॉक करेंगे और इसे साइड में इस तरह से रख देंगे और सेम स्पेस में फिर से टू डबल क्रोशे। अब फिर से चेन वन बनाते हुए सेम रिपीट करते हुए ये रो को कंप्लीट करेंगे और हम एंड में सीखेंगे कि इसे एंड किस तरह से करते हैं और न्यू रो किस तरह से स्टार्ट करते हैं। ये रो फिनिश होने के बाद इसे एंड करने के लिए डायरेक्टली फैब्रिक में जाएंगे और सिंगल क्रोशे बना के इसे अटैच कर देंगे और चेन सेवन बना के टर्न करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, चेन सेवन बनाएंगे और टर्न कर देंगे। अब हमें इसके ऊपर ये जो चेन वन स्पेस है डायरेक्टली यहाँ पर जाकर सिंगल क्रोशे बना देना है। अब सेम रिपीट करेंगे, फिर से हमें चेन सेवन बनाना है और ये चेन वन स्पेस में सिंगल क्रोशे। ये नेक्स्ट जो मोटिफ है इसके बाद में जो चेन वन स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशे। तो सेम यही रिपीट करते जाएंगे हमें हर ये थ्री बीट्स के ऊपर ये इसके बाद जो चेन वन स्पेस आती है इसमें सिंगल क्रोशे लगा के चेन सेवन को अटैच करेंगे। तो चेन सेवन बनाएंगे, और ये चेन वन स्पेस में सिंगल क्रोशे। और जब हम लास्ट वाले फ्लावर के पास पहुंचेंगे तो यहाँ पर हमें बस फैब्रिक में चेन सेवन बना के यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाकर इसे अटैच करना है। तो इस तरह से ये रो को कंप्लीट करेंगे, चेन सेवन सिंगल क्रोशे। ये चेन सेवन बनाए हैं, अभी इसे फैब्रिक में अटैच करना है। तो अटैच करने से पहले चेन वन बनाएंगे और ये फैब्रिक में यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद टर्न करेंगे। अब हमें सिंगल क्रोशे बनाना है, थ्री सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये चेन सेवन को होल्ड करते हुए इस तरह से चेन सेवन और फर्स्ट पर्ल या बीट के बाद हमें थ्री सिंगल क्रोशे बनाना है। वन टू थ्री। अब हमें ये जो चेन सेवन स्पेस है इसमें थ्री सिंगल क्रोशे बनाना है। वन
टू थ्री। अब चेन सेवन और ये जो सेकंड पर्ल है ये स्पेस में, इसे दोनों को साथ में लेते हुए थ्री सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री, इस तरह से। अब नेक्स्ट नेक्स्ट चेन सेवन स्पेस में वर्क करना है और फर्स्ट पर्ल के बाद डायरेक्टली हमें थ्री सिंगल क्रोशे बनाना है, वन टू थ्री। अब चेन सेवन स्पेस में बनाएंगे और बीट के स्पेस में नहीं बनाएंगे, थ्री सिंगल क्रोशे, वन टू थ्री। अब ये जो सेकंड पर्ल है ये सेकंड पर्ल की स्पेस और चेन सेवन जो बची हुई है उसके बीच में थ्री सिंगल क्रोशे, वन टू थ्री, सेम रिपीट करते जाएंगे और इस तरह से ये डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। ये डिज़ाइन एंड करने के लिए चेन वन बनाएंगे और फैब्रिक में जहाँ पर सिंगल क्रोशे है वहीं पर सिंगल क्रोशे बनाते हुए इसे एंड कर देंगे और चेन वन बना के थ्रेड को कट करके निकाल देंगे।